दिल्ली NCR में सोमवार से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस हफ्ते आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी। ऐसे में पिछले कई दिनों से जारी लू प्रकोप से भी मुक्ति मिलेगी। इसका असर रविवार को ही देखने को मिलने लगा था, जब दिल्ली में अधिकतम तापमान में गिरावट हुई और सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं हवा में नमी का स्तर 36 से 61% रहा। इससे पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 25.7 और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। मौसम विभाग ने इस हफ्ते गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। गरज के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। 5 मई तक इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे या फिर धूल भरी हवाएं चलेंगी। इस वजह से तापमान 3 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई के बाद फिर से प्रचंड गर्मी पड़ सकती है। सोमवार को दिल्ली में सूरज 5:39 निकला तो वहीं डूबने का समय 6:57 है। सोमवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। दिन भर तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और शाम को आंधी तूफान आने का पूर्वानुमान भी है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरे सप्ताह आसमान में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। 2 और 4 मई को धूप भरी आंधी चलने की आशंका है। 5 मई को हल्की बारिश हो सकती है। हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं नोएडा में सोमवार को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पूरे सप्ताह आसमान साफ रहने की संभावना है। हफ्ते के अंत तक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में आज सोमवार को अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस सप्ताह आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। 2 से 5 मई के दौरान गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हफ्ते के अंत तक गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खराब श्रेणी में 270 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा में 247 है, जबकि गुरुग्राम में 260। इस हफ्ते दिल्ली NCR में AQI के मध्यम श्रेणी में रहने की ही संभावना है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।